एक सवैया मैंने पहले भी गाया था, लग जाए दाग जो दामन पर उसे छुड़ाते नहीं देखा। मुकेश ये पुरस्कार, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ आज, हमारे बाबू हमारे गुरु स्वर्गीय श्री मोहनलाल भगत जी, उनके गले में ये पटका था, वो पटका ला करके हरि गुरु ने आज मेरे गले में डाला है। मैं एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां हरि गुरु के लिए बजाएं। मैं इस लायक नहीं था, लेकिन आपने मुझे बनाया। शंभू भाई, आप यूं कह रहे थे कि आगरा में हल्ला कर दिया है कि शंभू बदतमीजी गाता है। बदतमीजी नहीं गाता, बढ़िया गातो। देखो ये अली शेर बैठे हैं, पिछली साल मैंने ही कराया था दंगल इनका, तुमसे कह के टक्कर बढ़िया मिले भाई। मना तो नहीं किया था, आज भी मैंने भगत जी से कहा था जब ये दंगल था, मैंने आप शंभू भांगड़े से दंगल कराई है। बोले उसने ऐसा गाया था, मैंने वो पार्टी दूसरी अलग थी, वो जैसी पार्टी होगी वैसा गाना गाएगा, वो बदतमीज था तो बदतमीज बन गया। लेकिन आज एक इलम की बात दे रहा हूं, मेरी जान शंभू जी जवाब लेकर के आना। हाँ साहब, मनोज भाई जैसा भी हम गा रहे हैं जवाब ये दे रहे हैं, जवाब ये गा रहे हैं उसका जवाब हम दे रहे हैं। आप सभी सुन रहे, लेकिन सुने चार लाइन फिर से। ब्रह्मा विष्णु महेश ने सम्मान किया है नारी का, ब्रह्मा विष्णु महेश ने और सम्मान किया है नारी का, और सम्मान किया है नारी का। सतयुग त्रेता द्वापर में गुणगान किया है, सतयुग त्रेता देख द्वापर में गुणगान किया है नारी का। और भैया देख, ईश्वर ने भी ये मानी है, ईश्वर ने ये भी मानी है, एहसान लिया है नारी का। भगत जी, ईश्वर ने भी मानी है, एहसान लिया है नारी का, और एहसान लिया है नारी का। अगर लाइन पसंद आए तो इस किसान के बालक को आशीर्वाद दे देना, क्योंकि आज तक नहीं सुना होगा ये सवैया। पसंद आए तो, और ना पसंद आए तो कोई बात नहीं है। अरे ईश्वर ने भी मानी है, देखो इस कलयुग में अपमान किया है नारी का। दोस्तों ये हिंदुस्तान, कल परसों एक मैंने कांड सुना, दिल्ली में एक लड़के ने एक लड़की के सर में 16 चक्कू मारे मारे 16, और उसके बाद में उसका सर पटक पटक के पत्थरों से तोड़ दिया। आज मुझे बिजेंद्र गुरु की चीज याद आती है, ये आजकल के लड़के लब जानते नहीं हैं, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। तो बे सवैया सही आए हो, बिल्कुल बढ़िया आए हो। साहब हम लाख छुपाए प्यार मगर आई, इसको कहते हैं प्यार। अरे जब प्यार करते हैं तो बंद कमरे के अंदर, और तकरार भी बंद कमरे के अंदर ही करनी चाहिए, लेकिन बाहर सड़क पे 16 चक्कू और पत्थर, ये कोई राजनीतिक स्टंट है? फिर कह के जा रहा हूं आगरा में आपके बीच में, ये राजनीतिक स्टंट है, कोई वैसा झंझट नहीं है। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा,
और देख। अरे लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो उधर खड़ी है और मैं इधर खड़ा हूँ और मुझे कोई मार रहा है तो मैं कहूंगा मैया आ जा मुझे बचा ले। एक ज्योति जगाई जाती है जागरण में, मैंने पहली लाइन कही थी कि आज जागरण की प्यारी बेला में प्यारी सज के सवारी आएगी। अब मैंने कौन सी भैया ऐसी बात कह दी कि मेरी तो कोई औकात नहीं जो बुला बेटा, बुला क्यों नहीं सकता माँ को। देख आप यूं कह रहे हैं बेटा माँ को नहीं बुला सकता, क्यों नहीं बुला? बेटे को भूख लग रही है, उसे दूध पीना है, तो दूध पिलाने के लिए माँ को आना पड़ेगा, बेटा नहीं जाएगा दूध पीने के लिए माँ के पास। खाम खा की बात करते हैं आप। ये फिर से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई रूप किशोर जी की तरफ से। अब मेरी लाइन सुने हरिगुरु। माथे पे लगा लो तिलक अगर, अरे माथे पे लगा लो तिलक अगर तो रोजाना मिट जाएगा। के माथे पे लगा लो तिलक अगर तो रोजाना मिट जाएगा। मुकेश देखे तालियां कहकर के नहीं बजती। एक बच्चा तो इतनी पहलवानी करता जो मालूम पड़ता माइक खराब नहीं होते, माइक खराब नहीं है लेकिन ये खुद करते हैं खराब। खेच के माइक को माथे पे लगा लो। आप अपने माथे पे तिलक लगाएं, सुबह मूड होएंगे तौलिया से साफ कर देंगे, तिलक साफ हो जाएगा। लेकिन मेरी लाइन सुनना, पसंद आ जाए तो केवल अपना आशीर्वाद दे देना। माथे पे लगा लो तिलक अगर वो रोजाना मिट जाएगा, और वो तो मिट जाएगा लेकिन लग जाए दाग अगर कुल को वो दाग न मिटने। रुपए का पुरस्कार हमारे मोहनलाल जी, मोहनलाल उस्ताद जो मेला कमेटी खद्दर भंडार ताजगंज कमेटी के और सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से पुरस्कार आया है। और हरिओम गुरु, जब आप कह रहे हैं तब अनाउंस कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी रज्जोगुरु सामने वाले को हंसने का मौका नहीं देता। 12 और 13 जो भी कल परसों आएगी तारीख 12 और 13 रसियों का विराट दंगल मेरा और सत्तो शर्मा अतरौली वालों के बीच में ताजगर खद्दर भंडार के चौराहे पर होगा। ये अभी अभी मुझे बताया है हरिओम खलीफा ने। हाँ साहब, माथे पे लगा लो तिलक अगर, माथे पे लगा लो तिलक अगर रोजाना मिट जाएगा। लग जाए दाग अगर कुल को वो दाग न मिटने। मुकेश, किसी की आलोचना नहीं करते हैं, जनता बहुत बड़ी है, जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं है, जनता सब जानती है
कि किसने क्या गाया और किसने क्या गाया। ये सब जानती है पब्लिक है, बच्चा पहलवानी करता है बहुत अच्छी। अजी अंदर क्या है और बाहर क्या है, अरे अंदर क्या है ये बाहर क्या है। बेटा तू बेटा तेरा बाप हमारे गुरु को चेला, तू जा शंभू बाबरे के संग गलत फसेगो। देख कुछ कर ले कर्म अच्छाई के, कुछ कर ले कर्म अच्छाई के, दे रास्ता छोड़ बुराई के। कुछ कर ले कर्म अच्छाई के, दे रास्ते छोड़ बुराई के। अरे तू दाब लगा धन दौलत का, तू दाब लगा धन दौलत का, के तू दाब लगा गुरु। देखो जब आते हमारे खान साहब कह रहे हैं जानता है वो है तो ना है कछु, और केवल तुम गाल बजाओगे। अरे घर से याद कर लाया होगो, यो कर लो होगो। अली सर भैया कितनी गड्डी लुटा गई हो। देख तू तू दाब लगा धन दौलत का, और वो दाब तेरा पिटी जाएगा। तू दाब लगा धन दौलत का, वो दाब तेरा पिटू जाएगा। कोई सा दाब कितने भी पैसे का लगा लेना, हर दाब पिट जाएगा। लेकिन मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूँ, केला मैया के चरणों में समर्पण कर रहा हूँ, फिर दोबारा से आशीर्वाद चाहूंगा आपका। और तू दाब लगा धन दौलत का, वो दाब तेरा पिट्टू जाएगा। अरे अली सर बाबू दाब तेरा पिट जाएगा, पिट जाएगा। लेकिन अरे केला मैया के नाम का दाब लगा, वो दाब न मिटने किताब लगा, किताब न पिटने पाएगा। दिल में दाग लग जाएगा, वो दाग नहीं मिट पाएगा, दाग ना मिटने पाएगा। के हम लाख छुपाए प्यार छुप छुप के मिलने से, अरे लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो। धौस जमाना कहते हैं, उसे धौस जमाना कहते हैं, उसे धौस जमाना कहते हैं। और सीधी सी बात है बाबा, उसे धौस जमाना कहते हैं। लाखों में, अरे लाखों में जाकर चोट करे उसको मर्दाना। उधर से कह रहे थे भैया, अरे लेकिन छुप छुप के मिलने का,
मिलने का मजा तो आए। उधर से भैया की तरफ से एक बात आई के माथे पे लगा लो तिलक अगर, के माथे पे लगा लो तिलक अगर, अरे माथे पे लगा लो तिलक अगर, के माथे पे लगा लो तिलक अगर, रोजाना मिट जाएगा। और टिंकू बारे, अरे लग जाए दाग अगर कुल में, अरे लग जाए दाग अगर कुल में, वो दाग नहीं अगर कुल में एक सपूत पैदा हो जाए, कुल में एक सपूत पैदा हो जाए, एक बेटा अच्छा निकल आए तो पूरे कुनबा ताल ले जाऊं। तो इस बात को मैंने नहीं बनाया है, बुजुर्ग लोग कहते हैं और शास्त्रों में अली शेर भैया लिखा हुआ है, एक सपूत बेटा पूरे खानदान को तार लेता है। हैं दादा? हाँ, आशीर्वाद की कामना करूंगा। मनोज भैया, एक अगर बेटा अच्छा निकले आवे तो पूरे खानदान को तार लेता है, पूरे खानदान को दाग की तो चलते गाय देने सबको चूहे मिटा दे, तो अगर एक पहला भी जैसा बेटा पैदा हो जाए तो दे। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आए। अब कहना है मेरी तरफ से, मत रंग बदल गिरगिट जैसा, के मत रंग बदल गिरगिट जैसा, मत रंग बदल गिरगिट जैसा। एक होता है गिरगिट जो रंग बदलता रहता है, हाँ जी हरिगुरु, पल पल पे रंग बदल देता है वो, देख। अरे मत रंग बदल गिरगिट जैसा, अरे तू ना गिरगिट बन पाएगा, अरे मत रंग बदल तू, अरे मत रंग बदल गिरगिट जैसा, और ना तू गिरगिट बन पाएगा। छोटी सी कोशिश है गुरुदेव, तू ना गिरगिट बन कुछ धर्म कमा ले दुनिया में, अरे कुछ धर्म कमा ले दुनिया में, तेरे कुल का दाग मिट जाए।